दुनिया की भीड़ में मैं खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। प्रभु से बोले कि प्रभु आज मैं आपका जलाल देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं आपका सामर्थ चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि दुनिया की भीड़ में मैं खो रहा हूँ प्रभु जी। आप मेरे को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर दुनिया की भीड़ में कुछ नहीं है, तेरे पास ही पिता परमेश्वर वो अनंत जीवन है, वो सामर्थ है। प्रभु एक एक भीड़ को ढूंढता है। मैं ढूंढू उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढू उस भेड़ को जो खो गई बंद हो गई। दुआ जागर लौटिया आ बेटे गर लौटिया, दुआ जागर लौटिया का नाम लेकर पुकार दे कि हे पिता आज तू मेरी शरण में आ जा, मेरे पवित्र स्थान में आ जा, मेरे प्रांगण में आ जा, अपने सारे गुनाह दिल से कबूल कर दे। मैं तेरे आज सब अपराध मिटा दूंगा, क्योंकि मैं ही दयालु हूं, मैं ही कृपालु हूं, क्योंकि वो ही सत्य है, वो ही मार्ग। आइए सब जन आज की संध्या वेला में प्रार्थना करें कि हे प्रभु आज मैं आपकी दया चाहता हूँ सामर्थ्य पिताजी, आज मैं आपका होली स्पिरिट चाहता हूँ प्रभु जी, ताकि आपका पवित्र आत्मा मेरे को चलाए कि मेरे को कैसे जीवन में चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब जन तेज आवाज से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपके नाम को, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये पूरी सृष्टि पर, क्योंकि ये पूरी सृष्टि पर एक ही नाम है, एक ही नाम है, जो वो धन्यवाद के योग्य है, जो वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम है, वो प्रभु यीशु सामर्थ्य नाम है, प्रभु यीशु सामर्थ्य नाम है, वो प्रभु यीशु जलाली नाम है, प्रभु यीशु जलाली नाम है। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उसके पवित्र नाम को हम पुकारेंगे, उसके जलाल को हम पुकारेंगे, और प्रभु से बोलेंगे कि हे प्रभु आज की ये संध्या वंदना में मैं आपके दर्शन चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ प्रभु जी, आज की ये संध्या वंदना में मेरा जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी मैं आपका आभार प्यार अपनी आत्मिक आँखों से देखने पाऊँ। आइए सब जन मिलकर एक मन होकर, एक दिल होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की उपासना करेंगे, उसकी हम दो सना गाएंगे।
हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, यीशु राजा की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, 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 आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु 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 की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता
की आराधना, आराधना हो आराधना विश्वास के साथ, खुदाबंद यीशु की आराधना पूरे भरोसे के साथ, आराधना हो आराधना खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदाबंद यीशु की आराधना। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 राजाओं का राजा हालेलुया, मुक्ति देने वाला हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया चंगा करने वाला हालेलुया, छुटकारा देने वाला हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, प्रेमी दाता तेरी आराधना, आराधना आराधना, छुटकारा दाता तेरी आराधना, आराधना आराधना, शांति दाता तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं का राजा प्रभु आराधना, आराधना आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, जल्दी आने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, आराधना हो आराधना आराधना यीशु आराधना, आराधना हो आराधना आराधना यीशु आराधना, आराधना हो आराधना आराधना यीशु आराधना, आराधना हो आराधना, ताली बजाते हुए विश्वास के साथ आनंद के साथ, आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु चंगा
हालेलुया 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 मुझ पर दया कर मेरे प्रभु हालेलुया 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 जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। प्रभु की आत्मा हम पर अधिकार ले। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपका मन, आपका शरीर, आपका घर सब प्रभु के सानिध्य से भर जाता है। इस वक्त प्रभु की आत्मा आपको घेरे हुए है, उसके रूह का मसा आप पर छाया हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर समय है जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। लोक भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति पवित्र युक्त संस्कार की भक्ति है, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु विराजमान रहता है। आज की संध्या आप लोगों के लिए बरकतों का कारण बन जाए। आज का वचन जो आप सुनेंगे वो आपके मन और आपके हृदय को खोले, आप विश्वास करें और प्रभु आप पर अधिकार लें, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो शांति भर दें। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मैं वीणा बजाते हुए, मैं वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। सारंगी पर, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करूंगा, उसका स्तुतिगान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता है और हमें विजय दिलाता है
और हमें विजय दिलाता है। हालेलुया हालेलुया। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूंगा मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगा हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय नवासी पद संख्या एक मैं प्रभु के उपकारों के लिए क्या दे सकता हूँ। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे परिवार अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ आज के पूरे दिन के लिए जीवन के वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र वचन कहता है कि स्वर्गदूतों के साथ और सारी मानव जाति के साथ कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। ये सुंदर मौका है जब स्वयं प्रभु यीशु आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे भेंट करने के लिए आते हैं, आपको परामर्श देने के लिए आते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। आप में से हर व्यक्ति के कुछ सवाल हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ चिंताएं हैं, तो कुछ जो सुखी हैं वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु से आप बातें करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपने जीवन के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने माता पिता के लिए, सुंदर घर बार के लिए, हर दुख के लिए, हर कष्ट के लिए, हर तकलीफ के लिए जो मेरे जीवन में है। प्रभु मैं इन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर मौका है इस वक्त यीशु से जुड़ जाना, यीशु को अपने हृदय में परिवार में आमंत्रित कर लेना। जिस तरह से जक्केउस यीशु को अपने घर में ले गया और उसका जीवन बदल गया, यीशु को ना केवल सुनना, ना केवल देखना, पर उसको अपने घर में लेकर जाना। घर में लेके जाने का मतलब है वचन को सम्मान करना, वचन को पढ़ना, अपने घर में प्रभु के लिए वेदी सजाना, सुबह उठकर धन्यवाद करना, शाम को सोते जागते समय उसका धन्यवाद करना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे परिवार में आपकी महिमा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कुछ समय के लिए अपने अपने रोगों को भूल जाइए, अपनी चिंताओं को भूल जाइए, समस्याओं को भूल जाइए, अपने दुखों को भूल कर प्रभु से बात करना। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, बेटा नाराज क्यों हो, बेटा उदास क्यों हो, बेटा हताश क्यों हो, दुखी क्यों हो, बेटा तेरा चेहरा उतरा हुआ सा क्यों है। मैं जानता हूं कि आज तेरे कई काम दफ्तर में पूरे नहीं हुए हैं, आज तेरी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, तू निराश है। देख, मैं तेरी खोज में आया हूं, मैं तुझे सांत्वना देना चाहता हूं। प्रभु के वचन इस वक्त आप सुनेंगे तो आपको सांत्वना प्रदान करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ समय के लिए अपना हृदय प्रभु के सामने खोल देना, कुछ समय के लिए अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल कर रख देना और प्रभु से कहना, मैं चाहता था कि बहुत कुछ करूं लेकिन कर नहीं पाया हूं,
मैंने बहुत सपने संजोए थे, मैंने अपने बल पर विश्वास किया, पर मैं जानता हूँ कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रभु मैं हारा हुआ हूँ, मैं हार गया हूँ, जो असफल हैं, जो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु से कहना, प्रभु मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ, हे प्रभु मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन का मुखिया बनकर मुझे संचालित कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर का मुखिया बनकर मेरे परिवार को संचालित कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं, कदमों में उसके कभी भी उनको ठुकराता नहीं है, उन्हें वो मुक्ति दिलाता है, उन्हें वो जीवन देता है, उनके आंसुओं को पोषता है, उनके कष्टों को मिटाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, आइए हम कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रभु से कहना, मेरे परिवार को प्रभु अपने परिवार के जैसा बना दे, मेरे परिवार को अपने जैसा बना दे, मेरे दिल को अपने दिल के जैसा बना दे। हे प्रभु मेरे बेटे मेरी बेटी को अनुग्रह प्रदान कर, उन्हें अपने मनोभाव प्रदान कर, तेरी ज्योति में मुझे चलने दे। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की हम महिमा करें, स्तुति करें। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। गाएं सभी लोग। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल
बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे कि अंत में आप लोग प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। अंत में आप लोग प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें, शैतान की धूर्तता का सामना करें। शैतान की युक्तियां आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभु हमें वचन देता है एफसियों की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे, और आप ईश्वर के हथियारों को धारण करें। और ईश्वर के हथियार हैं प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास, पाक कलाम, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार और उत्साह के जूते, सत्य का कमर बंद कसकर, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर, मुक्ति का टोप पहनकर। बहुत से लोगों ने ये पांच हथियार अपने पास नहीं रखे, इसलिए वो शैतान की धूर्तता के शिकार हो चुके हैं। इसलिए प्रभु आज का ये वचन हमें देता है। ये दाहिना हाथ उठाकर आप मेरे पीछे ये वचन दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, आप लोग उसके अपार सामर्थ से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो जाएं। हालेलुया। आप सत्य का कमर बंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ ही साथ विश्वास की ढाल धारण किए रहें जिससे कि आप दुष्ट के सब अग्नि में आग बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन ग्रहण करें आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें आप लोग जागते रहें सब संतों के लिए विनती करें हालेलुया। तो ये पांच बातें प्रभु हमें बताता है कि अगर तुम शैतान की धूर्तता का सामना करना चाहते हो तो सत्य का कमरबंद कसना, धार्मिकता का कवच धारण करना, उत्साह के जूते पहनना और सुसमाचार सुनाना और खड़े हो जाना, विश्वास की ढाल अपने शरीर पर धारण किए रहना, तब आप शैतान की धूर्तता का और उसके अग्नि में बाणों को आप बुझा सकेंगे। इसके अलावा प्रभु कहता है कि मुक्ति का टोप पहनना,
और आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन ग्रहण करके लेकर चलना। एक सैनिक को आपने देखा है जो दिन रात हमारे देश के बॉर्डर पर खड़ा होकर रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। अगर वो इन हथियारों को अपने पास नहीं रखेगा, हेलमेट नहीं पहनेगा, अगर उसके पास हथियार नहीं होगा, आपने देखा है सैनिक की पूरी वर्दी किस तरीके की होती है, उसके जूते इतने कठोर होते हैं कि वो कहीं पर भी चल सकता है, किसी भी पत्थरों के ऊपर वो चल सकता है। वो साथ में अपने तलवार रखता है। इतना ही नहीं, सत्य का कमरबंद कसकर वो प्यारे भाइयों और बहनों आगे बढ़ता है, अपने देश की रक्षा करता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। अगर हम अपने देश की रक्षा के लिए सैनिकों को तैनात कर सकते हैं, तो मुझे और आपको अपने जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करने के लिए इन सारे हथियारों को अपने पास रखना होगा, तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। और इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के लहू का संरक्षण इस वक्त अपने परिवार के लिए मांगेंगे। आप में से सब लोग प्रभु के पवित्र लहू के संरक्षण के लिए प्रार्थना करें और कहें, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी आँखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरी वाणी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे मुख को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर के हर एक अंग को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरी त्वचा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे हृदय को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे शरीर के कण कण को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरी याददाश्त को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे बुजुर्गों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मेरे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी ईश सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, हमारे राष्ट्र को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, सभी राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सब बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी निसंतान दंपतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी नवयुवक युवतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बच्चों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, हमारे कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, हमारे
हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, हमारे इस आश्रम को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता, आपका जवाब है तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में, मैं तेरे असीम प्रेम विश्वास करते हुए, विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, और अपने सिर से, और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ, पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की, संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे हर बुराई से, मुझे हर बुराई, हर प्रलोभन से, हर प्रलोभन, शैतान के हमलों से, शैतान के हमलों से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, डर और कष्ट से, डर और कष्ट से, रोग और बीमारी से, रोग और बीमारी से, हर प्रकार के क्रोध से, हर प्रकार के क्रोध से, और सब कुछ से, और सब कुछ, सभी विपत्तियों से, सभी विपत्तियों, जो तेरे राज्य के विरुद्ध हैं, जो तेरे राज्य के विरुद्ध हैं, उन सब से, उन सब से सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे, हम गीत गाएंगे, छम छम मी बरसा। जैसे बारिश इस धरती पर आती है, वैसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों पर उतरे। वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप, प्रभु का वचन कहता है कि चेले एक घर में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद पूरा घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया, उसकी नींव हिल गई। प्यारे भाई और बहनों, आज वो रूह का मसा आप पर और हम पर उतरे हैं। बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो, सूखी धरती दिलों की बंजर रू अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी
से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, नबियों को भरता था, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है, हम पर छाया हुआ है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल, तेरा दास सुन रहा है, बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु थॉमस को अपने घाव दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि थॉमस आओ और देखो, ये मेरे हाथ हैं, तुम अपनी उंगली मेरे इन हाथों में डालो, देखो ये मेरी बगल है, तुम अपना हाथ मेरी बगल में डालो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इससे पहले थॉमस क्या यीशु में विश्वास नहीं करता था? वो पहले से विश्वासी था, किंतु उसका विश्वास परिपक्व नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी, आप और मैं भी विश्वासी हैं। अनेक मौके हमारे जीवन में आते हैं जब प्रभु हमसे ये कहता है, डैनियल, पीटर, अशोक, आओ और ये देखो, ये मेरे घाव हैं, ये मेरी बगल है, अपना हाथ यहां डालो, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। तुम अपने जीवन में चिंता क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने लोगों के बीच में कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए? क्या तुम पवित्र वचन नहीं पढ़ते हो? हम में से सभी लोग विश्वासी हैं, लेकिन सबके सब उनका विश्वास परिपक्व नहीं है। तो इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है, थॉमस का नाम लेकर उसने कहा, थॉमस आओ और मेरे घावों को देखो, इनमें अपने हाथ और उंगली डालो और विश्वास करो, अविश्वासी मत बनो। याकूब का पत्र अध्याय 1:6, बुक ऑफ जेम्स 1:6, प्रभु का वचन कहता है,
जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों की तरह है। कैसा है? समुद्र की लहरों की तरह है। आगे लिखा है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। समुद्र की लहरों को कौन उछालता है? हवा उछालती है। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो विश्वासी नहीं है, इसलिए उनका जीवन, उनका मन सांसारिक चीजों से, सांसारिक बातों से, सांसारिक माया मोह से इधर उधर उछलता रहता है, इसलिए वो टिकते नहीं हैं। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, कहीं और। तो ऐसे लोग जो संदेह करते हैं वो समुद्र की लहरों के सदृश हैं। वचन कहता है जो हवा के द्वारा इधर उधर उछाली जाती हैं। तो थॉमस का विश्वास यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के कारण विचलित हो गया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब कष्ट आता है, परेशानी आती, चिंता होती है, तो हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है। हमें लगता है कि हम कहीं और भागें, शायद वो व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, शायद ये काम करने से हमारा जीवन बच सकता है। तो जब थॉमस ने यीशु को दुख सहन करते हुए देखा, कोड़े खाते हुए उसे देखा, जब उसे क्रूस पर मरते हुए देखा, तो उसे लगा अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। वो भूल गया था कि प्रभु ने समुद्र को शांत किया, हवा को शांत किया। वो भूल गया था कि लाजरस को उसने जिंदा किया। वो भूल गया था नाइम की विधवा के बेटे को उसने जीवन दान दिया। वो भूल गया था जेरुस की बेटी को उसने जीवन दान दिया। केवल उसे दुख कष्ट याद रहा और इसी के कारण वो विश्वास करने में असमर्थ रहा, डामाडोल होने लगा और वो विश्वास नहीं कर पाया। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे महान चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जब हम अनुभव कर लेते हैं, जब हमारा एनकाउंटर प्रभु से हो जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप संत थॉमस के जैसे महान व्यक्ति बन जाते हैं। थॉमस का डाउट करना शायद स्वाभाविक था क्योंकि वो यीशु को और ज्यादा नजदीक से अनुभव करना चाहता था। इसलिए जब उसने यीशु को और ज्यादा नजदीक से जानना चाहा, वो उनके पास गया, वो उनके साथ बैठा, वो उनके सामने थे, उसने अनुभव किया। और एक बार जब उसने अनुभव किया तो उसने यीशु के साथ रहकर विस्मयकारी चमत्कारों को देखा। ऐसे महान एवं चमत्कारी पुरुष के इस प्रकार दीनहीन दशा में मर जाने के कारण थॉमस के विश्वास के स्तंभों को हिला दिया था। अब फिर से विश्वास करना शायद उसके लिए मुश्किल था, नामुमकिन सा था। तो आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि विश्वास एक ऐसी अद्भुत और रहस्यात्मक चीज है। विश्वास के सहारे हम इस महान एवं अविश्वसनीय काम को पूरा कर सकते हैं। किंतु यदि विश्वास में संदेह, दृढ़ता एवं निरंतरता की कमी होती है तो हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, ज्यादा आगे नहीं जा सकते। चेलों ने देखा कि प्रभु रात के चौथे पहर समुद्र पर चल के आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई प्रेत पानी के ऊपर चल के आ रहा है। तो उसने कहा, पेत्रुस ने कहा, यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पास चलकर आऊं। प्रभु ने कहा, आ जाओ। वो नाव से उतरता है और चलने लगता है। थोड़ी देर के बाद, हिंदी में एक कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे ही उसकी आंखें यीशु से हटती हैं, उसे लहरें नजर आने लगती हैं। समुद्र जो पूरे उफान पर था, उसे वो लहरें नजर आने लगती हैं। उसकी दृष्टि यीशु से हटकर समुद्र की लहरों पर चली जाती है और वो क्या होने लगता, गिरने लगता है, डूबने लगता है, चिल्लाने लगता है, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। जिंदगी में बहुत अच्छे काम जब होते रहते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता है,
एक दिन कोई दुख कष्ट परेशानी चिंता हमारे जीवन में जो आती है तो हम इनको छोड़कर हम कहीं और देखने लगते हैं, और वो दिन हमारे डूबने का दिन होता है प्यारे भाई और बहन। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 21, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21, यदि तुम में विश्वास हो और तुम संदेह ना करो और तुम इस पहाड़ से यह कहो कि उठ समुद्र में गिर जा, तो वो वैसा ही हो जाएगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम्हें विश्वास हो, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, और तुम संदेह ना करो और इस पहाड़ से यह कहो, और इस पहाड़ से यह कहो उठ समुद्र में गिर जा, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो अगर विश्वास की कमी को पूरा करना है तो हमें संदेह से ऊपर उठना होगा। मसीहों को, विश्वासियों को संदेह से ऊपर उठना होगा। नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की हजूरी में आना होगा। आप में से कई लोगों का जीवन आधा बीत चुका है, अब थोड़ा ही बचा है। इसलिए इस थोड़े बचे हुए जीवन में हो सकता है अभी तक आपने प्रभु को ध्यान मनन नहीं किया है। मैं आपसे कहता हूं अगर आप वचन सुनते जाएंगे तो आपके जीवन का हर एक पाप जो है धुलता जाएगा, आपका मन शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि आपको और कोई चीज शुद्ध नहीं कर सकती। अगर कोई चीज आपको शुद्ध करती तो मैं समझता हूं नैतिक शिक्षा जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, रोज उनको पढ़ाई जाती है मॉरल साइंस, उनको शुद्ध कर सकती थी, वो बच्चे बिगड़ने से बच सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बच्चों को कितनी अच्छी तरह से टीचर स्कूल में क्या कराता है, मॉरल साइंस पढ़ाता है, लाइफ वैल्यूज के विषय में बताता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी वो ऐसा ही करते हैं, फिर भी वो पाप में गिर जाते हैं। तो प्रभु हमें जो शिक्षा देता है, यूहन्न के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 में कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तो संदेह विश्वास के लिए एक दीमक के समान है। डाउट इज जस्ट लाइक ए व्हाइट एंट। संदेह इंसान के जीवन में एक दीमक के समान काम करता है। जिसको विश्वास नहीं है, जिसके घर में डाउट या शक उत्पन्न हो गया, वो कभी पनपता नहीं है। संदेह के कारण विश्वास कभी पनप नहीं सकता है। इसलिए संदेह पर विजय प्राप्त करके हमें विश्वास की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। आप सभी विश्वास करते हैं, मैं जानता हूं, प्रभु भी जानता है कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है कि इस विश्वास को और ज्यादा परिपक्व करना, और ज्यादा दृढ़ करना, और ज्यादा रिफाइन करना। आज एक सीढ़ी चढ़ी है तो कल विश्वास की दूसरी सीढ़ी चढ़ना, तो परसों तीसरी सीढ़ी चढ़ना, तो उसके अगले दिन चौथी सीढ़ी चढ़ना। मतलब विश्वास का लेवल बढ़ता रहना चाहिए उम्र के हिसाब से, जीवन में जिंदगी की परिस्थितियों के हिसाब से। जब आप बच्चे थे आपका विश्वास कच्चा था, आप नवयुवक बन गए थोड़ा विश्वास और बढ़ गया, आप थोड़े बड़े हो गए और आपका विश्वास बढ़ने लगा, और जब आप बुजुर्गी में चले गए तो वचन कहता है जिसके बाल सफेद हो गए वो प्रज्ञ व्यक्ति बन गया है। क्योंकि आपको जीवन के हर क्षेत्र का अनुभव है, अच्छाई का, बुराई का, गलत क्या है, अच्छाई क्या है। इसलिए उस अपने विश्वास को परिपक्व बनाने का प्रयत्न करते रहना। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु थॉमस के संदेह को कैसे दूर करते हैं? थॉमस के संदेह का कारण यीशु की मौत थी, कोई दूसरी बात नहीं थी। यीशु की मौत थॉमस के संदेह का कारण था, और पुनर्जीवित हो उठने के बाद वो उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं। तो क्रूस पर उनकी मृत्यु ने शायद संत थॉमस को क्या कर दिया था, बहुत झकझोर दिया था, उसकी मनास्थिति बदल चुकी थी। वो केवल पुनर्जीवित यीशु ही उसके विश्वास को फिर से स्थापित कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो यीशु ने थॉमस के संदेह को दूर करने के लिए
उसके पास आते हैं तथा उसे अपने घावों को स्पर्श करने का निमंत्रण देते हैं। आज वो निमंत्रण आप लोगों को है, आज वो निमंत्रण आप लोगों को है। प्रभु पुनर्जीवित यीशु को इस पाक पवित्र संस्कार में आप देखने का प्रयास करें, वो आपको दिखेगा। विश्वास की आंखों को खोलेंगे तो वो आपको दिखेगा, वो आपको दर्शन देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उसको याद करेंगे, कई लोग कहते हैं हमें सपने आते हैं, हमें अच्छे सपने आते हैं, हमें बुरे सपने आते हैं। आप जिस चीज के विषय में ज्यादा सोचते हैं वही आपको सपनों में दिखाई देती है। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये आपको सपनों में दिखाई देंगे, कभी आपका हाथ पकड़ कर ले चलेंगे तो कभी आपको गोद में उठाए रहेंगे। आप करके देखिए प्यारे भाइयों और बहनों। तो यीशु संत योहन बपतिस्ता को सारे व्यक्तियों में से महान बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 11। प्रभु यीशु ने योहन बपतिस्ता को सबसे महान व्यक्ति बताया और कहा कि इस दुनिया में योहन से बड़ा और कोई व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद योहन बपतिस्ता संशय में पड़ गया, वो डाउट में पड़ गया, उसे समझ में नहीं आया। तो जब वो बंदीगृह में था तो उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास यह कहकर भेजा कि जाओ और उनसे पूछो कि क्या आप वही हैं जो आने वाले थे। देखिए, संत योहन बपतिस्ता एक महान व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु महान कहता है, जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं, वो भी इस संदेह में पड़ गया कि क्या वास्तव में यीशु आने वाला मसीह है या कोई और है। तो मैं और आप तो बहुत छोटी चीज है, मैं और आप तो छोटे इंसान हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से जवाब देते हैं। यीशु योहन के शिष्यों से अपने कार्यों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जाओ, तुम जो सुनते हो और देखते हो उसे योहन को बता दो। तुम जो सुनते और तुम जो देखते हो जाओ उसे योहन को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में नबी ईसाया की प्रतिज्ञात मसीहा के बारे में की गई भविष्यवाणी को, जिसे यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 35 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 5-6 में, उसको योहन के लिए दोहराता है और उससे कहता है, उनके शिष्यों से, कि जाओ और योहन से कह दो। तो यीशु जानते थे कि धर्म ग्रंथ की बात को पूरा होते देख योहन का विश्वास यीशु मसीह में दृढ़ता प्राप्त करेगा। आप लोगों के लिए भी यही वचन है प्यारे भाई और बहनों। आप रोज देखते हैं यहां पर कितने लोग चंगे होते हैं, कितने लोगों को प्रभु स्पर्श करता है, बदरूहों से उन्हें आजाद करता है, उनके जीवन में हर प्रकार की रोग शक्ति से उन्हें आजाद करता है। आप लोगों के फोन कॉल्स और आपकी गवाहियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप नित्य प्रतिदिन मेरे परिवार को संभालते हैं। हालेलुया। तो योहन की मनास्थिति ये बताती है कि किसी को भी संदेह हो सकता है, कोई भी व्यक्ति डाउट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति शक कर सकता है। तो यीशु भी मनुष्य की इस कमी को अच्छी तरह से समझते हैं तथा योहन के शिष्यों के जाने के बाद योहन बपतिस्ता के विश्वास को वो महान बताते हुए कहते हैं कि योहन वो एलियस है जो आने वाला था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 में कि योहन वो नबी है, वो एलियस है जो आने वाला था। और एलियस, वो कहता, आ चुका है, एलियस आ चुका है। इस प्रकार विश्वास के अभाव को यदि ईश्वर के सामने व्यक्त किया जाए तो ईश्वर इस संशय को दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार एक दूसरा वृत्तांत हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 21-22 में कि जब मार्था अपने घर में थी, उसके भाई का
देहांत हो गया, तो वो प्रभु से कहने लगी, आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु ने उससे कहा, मार्था यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में प्रभु ये कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा, क्या तुम विश्वास नहीं करती हो। मार्था भी शायद भूल गई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, कि यीशु दिन रात मुर्दों को जिलाता, कोड़ियों को चंगा करता। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए, अगर उनको लिखा जाता तो दुनिया की किताबें कम पड़ जाती। हमारा क्रिश्चियन विश्वास कभी कभी संदेह के घेरे में आ जाता है। पिछले दिनों एक भाई ने फोन किया और कहने लगा, फादर और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, मैं थक गया हूं प्रार्थना करते करते, और कितने दिन मैं ये सब काम करूं, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। मैंने उसको हौसला दिया, प्रभु का वचन उसे सुनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के राज्य में देर अवश्य है, अंधेर नहीं है। जो वादा उसने हमसे किया है वो उसे पूरा करता है। इसलिए नबी हबाकुक के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी हबाकुक लिखता है, मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चार दीवारी पर चढ़कर उसकी प्रतीक्षा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का वो क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे कि सब उसे सुगमता से पढ़ सके। तो ईश्वर हबाकुक से लिखने को कहता है, जिससे लोग उसे पढ़कर विश्वास कर सके। तो संत योहन भी सुसमाचार के लिखने का उद्देश्य बताते हैं कि लोग विश्वास में बने रहें, इसलिए वो सुसमाचार लिखते हैं। और इनका विवरण दिया गया है, जिससे कि तुम इसमें विश्वास करो। तो ये बातें प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके विश्वास को दृढ़ करती हैं। इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है कि आप अविश्वासी नहीं विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। प्यारे भाइयों और बहनों, हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी हो या परिस्थिति विषम हो, मेरा और आपका विश्वास प्रभु में मजबूत रहे, क्योंकि प्रभु अपनी बातों को सच प्रमाणित करता है। प्रभु कहता है, मुझे अपने नाम की शपथ, मैंने जो कुछ कहा है मैं तुम्हारे जीवन में उसे पूरा करूंगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन, आपका ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने विश्वास को कुरेद कर देखना कि क्या वास्तव में मेरा विश्वास प्रभु में दृढ़ है या नहीं है। अनेक बार मैं अपने जीवन में थॉमस के जैसे संदेह करने लगता हूं, इसलिए उनको, प्रभु को छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता हूं। विषम परिस्थितियों में हम हताश होने लगते हैं। प्रभु कहता है, हताश ना हो, हताश ना हो, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे सारे बंधन टूटे, अविश्वास का बंधन, बीमारी का बंधन, रोगों का बंधन, हमारे परिवार के जो समस्याएं हैं प्रभु वो सारे बंधन टूटे। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या को प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से आदेश देता हूं कि हमारे जीवन से ये सारे पाप श्राप प्रभु आपके नाम से दूर हो जाएं। हमें ब्लेस कर, हमें क्षमा कर, आशीष प्रदान कर। आइए प्रभु की महिमा के लिए, हम बंधन को तोड़ने के लिए गीत गाएंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें।
शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, विश्वास के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, आमीन। धन्यवाद यीशु, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, सारा बंधन टूटे यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हम सब के पापों को मिटा दे, हम सब के पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, चंगा कर दे यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, रोगी चंगे करता नाम, आशीर्वाद देता नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, शांति दाता
यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 आत्मा से भरता नाम चंगा करता यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम Yesu naam 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 Yesu naam Yesu naam 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 Yesu naam Yesu naam 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 Yesu naam Yesu Lord vaakya mara bhagatan muru chire eli 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 jaakar bhagne chu tere bachcho par de aakar sara bandhan toote andhkar ki shaktiyan Yesu prabhu sare ghavon se chutkara pradan kar teri aatma in par adhikar de tera naam prabhu inke hoton par inki zuban par सारा बंधन यीशु के पवित्र लहू से उसके पांच घावों से आपके शरीर आपके परिवारों से टूटे। हर प्रकार के रोग बीमारी के बंधन, लकवे के बंधन, रसौलियों के बंधन, निस्संतानता की दुष्ट आत्मा के बंधन, नशे की दुष्ट आत्मा के बंधन प्रभु यीशु आपके शरीरों आत्माओं परिवारों और हृदयों से तोड़े
वे सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु के पावन क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। पूरे धमोलापल्ली के लोगों को, परिवारों को, यहां आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष मिले। सत्संग के दौरान बहुत से चिन्ह चमत्कार होने पाए, प्रभु की महिमा इस जगह में, इस भवन में प्रकट हो जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं और इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप में से एक एक व्यक्ति को स्पर्श करे, अपनी रूह का दुगना मसा आप लोगों को प्रदान करे, चंगाई दे आप लोगों के शरीर, आत्मा, हृदय, परिवारों से, बच्चों के जीवन से बंधन टूटे और प्रभु आपको ब्लेस करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वादा है जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही जीवन की ज्योति है प्रभु यीशु, आज तेरे इन बच्चों को प्रदान कर, विश्वास का वरदान इन्हें दे जिससे कि अपने विश्वास में ये दृढ़ बनते जाएं, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले, इन्हें हर रोग बीमारी से, बुरी दास्ता से, बुरी शक्तियों से, पाप बंधनों से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से इन्हें बचा के रखने की कृपा कर। इनके परिवारों को अपने लहू से मसा करने की कृपा कर। तेरे स्वर्गदूत इनके घर के चारों कोनों में पहरा दे, इनका दाम्पत्य जीवन प्रभु शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। इनके बच्चों के ऊपर तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे, तेरा पवित्र लहू इनके घरों पर, इनके चौकटों बिछौनों पर छिड़क देता हूँ। हे प्रभु तेरा वादा है कि मैं स्वयं आग की दीवार बनकर तुम्हारे चारों ओर खड़ा रहूंगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। तेरा ये वादा आज की रात्रि हमारे घरों में पूरा होने दे, हमें चंगाई प्रदान कर और अपनी आशीष से हमें भरपूर कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सब जन गाएं। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आइए सब जन अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु का प्यार लेने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसकी दया लेने के लिए, उसकी कुवत लेने के लिए। के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक तालियां बजाते हुए गीत गाएंगे।
बोलो जय मिलकर जय बोलो जय ये सुखी जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय ये सुखी जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय ये सुखी जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय ये सुखी जय बोलो जय 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 एक बार और जोरदार तालियां बजा के प्रभु के जलाली और सामर्थी नाम को धन्यवाद देंगे।